PTNI न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में सड़क दुर्घटना में मारे गए 5 लोगों के परिवार को आर्थिक मदद के संबंध में जन क्रांति एकता मंच ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। संभल गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के खादराबाद के समीप 11 अगस्त को बाइक एवं बोलेरो की टक्कर में परिवार के मुखिया राम निवास जाटव सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी मिलने पर जन क्रांति एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से उनके गांव उमरा में जाकर मुलाकात की। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इस स्थिति को देखते हुए जन क्रांति एकता मंच ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के नाम का ज्ञापन उप जिलाधिकारी गुन्नौर को देकर पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक मदद, आवास, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, राजकीय कोष से एवं परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी एवं 2 बेटियां हैं उनकी शादी के लिए सरकार से अनुदान की मांग की है। इस मौके पर नवनीत गांधी समाज सेवक राजकुमार यादव, भगवान सिंह यादव, वीरेश यादव, देवराज, जीतपाल यादव, मनीष यादव, एडवोकेट बार के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव, मुनेश यादव, सुरेंद्र यादव, रामवीर मौर्य, रोहन सिंह यादव, प्रमोद संतोष गिरी एडवोकेट, विद्वान सिंह, दिलीप भारती, सोमवीर सिंह, प्रदीप कुमार, अन्य सैकड़ों साथी मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है उपजिलाधिकारी महोदय गुन्नौर के लिए, जिसमें हमने पीड़ित परिवार जो उमरा में दुर्घटना हुई थी 11 तारीख के लिए 5 लोग एक ही परिवार की मृत्यु हो गई थी, हमने उस परिवार के नाम ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के लिए सौंपा है। उसमें परिवार के लिए आर्थिक स्थिति खराब है, देखते हुए आवास की मांग की है, 50 लाख रुपये का मुआवजा की राशि, क्योंकि परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई है उसकी कोई भी क्षति भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए 50 लाख रुपये की मांग की गई है और एक सरकारी नौकरी की मांग की है और उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी मुख्यमंत्री शादी समारोह जो होता है उसके द्वारा की जाए। आज हमने सामूहिक विवाह योजना के तहत जो शादी की जाती है उसके तहत हमने ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय जन क्रांति एकता मंच के सभी पदाधिकारी गणों ने आज उमरे गांव में कुछ 20 दिन पहले एक्सीडेंट से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए हम सब जन क्रांति एकता मंच के लोग तहसील एसडीएम साहब के यहाँ आए, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं जिससे पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।